सब्सक्राइब कीजिए डीडी न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद बनी कांग्रेस सरकार में लगातार हो रही उठापटक के बीच जल्द ही कांग्रेस के मंत्रिमंडल में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही अशोक गहलोत राजस्थान की सबसे बड़ी सोसाइटी जाट समाज के साथ कुछ बड़ा करने की फिराक में है। आपको बता दें कि जाट समाज पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस से लगातार नाराज चल रहा है, जिसका असर कांग्रेस में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं हाल ही में भाजपा के द्वारा सतीश पूनिया को अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद और नरेंद्र मोदी के नाम पर जाटों को बीजेपी की ओर आकर्षित किया जा रहा है, तो वहीं राजस्थान के सबसे बड़े जाट नेता और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के बीजेपी के साथ गठबंधन करने से गहलोत सकते में है, क्योंकि इन सभी कारणों से राजस्थान में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा जाट समाज कांग्रेस से छिटकता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अशोक गहलोत ने जाट समाज को फिर से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक बनाने के लिए नई चाल चली है और गेम प्लान बनाना शुरू कर दिया है, और इसका असर सीधे तौर पर राजस्थान में डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि दोस्तों, राजस्थान में गहलोत सरकार मंत्रिमंडल में बदलाव करने जा रही है। इसी बात की आड़ में गहलोत ने राजस्थान में दोहरी चाल चली है, जिसके चलते अशोक गहलोत सचिन पायलट को कमजोर करने व जाटों को अपनी ओर मिलाने के लिए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। साथ ही उन्हें होम डिपार्टमेंट भी दिया जा सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, जिसके चलते गहलोत राजस्थान में जाटों को खुश कर सकते हैं और राज्य में दो दो उप मुख्यमंत्री के चलते सचिन पायलट के प्रभाव को भी कम कर देंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले गहलोत का यह दांव कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान की दोनों विधानसभा सीटें जिनमें उपचुनाव हो रहा है जाट बहुल है, और जिसका सीधा असर कांग्रेस के लिए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गहलोत का यह दांव राजस्थान में जाटों को अपनी ओर कितने हद तक मिला सकता है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस लगातार देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।